नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है क्लास टेंथ के जो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड पार्ट की। और जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें हम आज देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होते हैं और सर्किट्स के वेरियस कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और उसके साथ साथ में कल जो हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ था जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, वहाँ से कुछ एक दो पॉइंट। तो सबसे पहले अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो फर्स्ट पार्ट में था वहाँ से एक इक्वेशन हमको मिला था I=Q/T। और एक कल हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जहाँ से हमें एक फार्मूला मिला V=W/Q। ठीक है, ये सारे फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका काम ये है कि यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस फार्मूलाज इन अ सेपरेट कॉपी। जैसे I=Q/T है, यहाँ से हम Q=IT भी लिख सकते हैं, W वर्क निकालना होता है तो V×Q भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो डिवाइस होता है एमीटर। और एमीटर से करंट को मेजर करते हैं किस यूनिट में, एम्पियर में। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो डिवाइस होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर से जो हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को मेजर करते हैं वो किसे मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं वोल्ट में। तो इतना सारा बात जो है वो हम लोग कर चुके थे, कुछ कुछ बातें। अच्छा, एक दो बातें और भी है। जैसे एमीटर जो है वो जब हम जोड़ते हैं किसी सर्किट में तो एमीटर को हमेशा जोड़ा जाता है सीरीज में। जैसे ये लगा हुआ है तो एमीटर को जो है वो हम जोड़ते हैं सीरीज में। मान लो ये सेल यहाँ से सो किया हुआ है सीरीज में, जबकि वोल्ट मीटर जो है उसको हम जोड़ते हैं पैरेलल में। जैसे दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर करंट मेजर करने के लिए है जो एम्पियर में बताएगा, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो कि वोल्ट में बताएगा। एमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं इसकी बात हम करेंगे कल के वीडियो में, क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आपको इसको समझना आसान होगा कि क्यों जो है वो हम इसको सीरीज में एमीटर को और वोल्ट मीटर को ऐड करते हैं पैरेलल में। लेकिन वो तब जबकि हम ओम्स लॉ पढ़ लेंगे, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, आज जो हम लोगों को समझना है, हम लोगों को ये समझना था कि किसी भी मेटेलिक वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, हम लोगों को मालूम है। लेकिन जब मेटेलिक वायर है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट टाइम। तो जब उसके अंदर में पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, किसी भी मेटल के वायर में पहले से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो फिर उसको अलग से सेल की बैटरी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, अलग से हमें क्यों कोई सोर्स ऑफ एनर्जी उसको देना पड़ता है। ठीक है, पहले से तो जैसे हमारे पास में ये एक सपोज की एक मेटेलिक वायर है, इस मेटेलिक वायर में तो पहले से ही एटम्स होंगे तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें बिना सेल या बिना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी लगाया और अगर इसमें हम बल्ब कनेक्ट कर देते हैं तो क्या वो बल्ब ग्लो करने लगेगा, नहीं करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें ऑलरेडी थे तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी नहीं मिल रही है, पहली बात ये। दूसरी बात कि उस एनर्जी का आखिर यूज़ क्या है। तो आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें पहले से प्रेजेंट थे जरूर, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे थे। उन इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन जो है वो रैंडमली था, कोई अपवर्ड कोई डाउनवर्ड, कोई लेफ्ट साइड कोई राइट साइड, कोई किधर भी जा रहे थे, लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे, समझ जाइए, मतलब ये एकदम रैंडमली मोशन में थे वो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जैसे ही हम इनको कोई सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे एक सेल लगा दिया गया, एक बैटरी लगा दी गई, तो उस टाइम में क्या होता है कि उसके निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोर्स्ड होते हैं
कि वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ में मूव कर सके, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन जो है वो यूनि डायरेक्शन हो जाता है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ में, और जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में इलेक्ट्रॉन्स फोर्स्ड होते हैं मूव करने के लिए, तो उस कंडीशन में करंट जो है वो फ्लो होना शुरू होता है, और वो करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है हमेशा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का डायरेक्शन हम ये मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक सर्किट जैसा बना देता हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। ये सेल हो गया, ठीक है, और यहाँ मैंने एक स्विच लगा दिया ऐसे सिंपल, ऐसे ही समझ रहे हैं, प्लस हो गया माइनस हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन ये है, ये बता रहे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन, तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट होगा। बात समझ में आई? ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसा कन्वेंशनली चला आ रहा है, मतलब पहले से ही ऐसा प्री एज्यूम्ड है। आज तक क्या एक्चुअल है वो लोग क्लियर नहीं है, लेकिन प्री एज्यूम्ड है कि ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ द करेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए कहा जाता है कि कन्वेंशनली द इलेक्ट्रिक करेंट इज सपोज टू बी द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे तो निगेटिव चार्ज है, तो कन्वेंशनली हम ये समझते हैं जो चलते आ रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द करेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट निगेटिव चार्ज, सो द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज सपोज टू बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट। तो ये कुछ बात समझने की थी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन को ही करंट का डायरेक्शन माना जाता है। कुछ और छोटी मोटी बातें है, देखते हैं क्या। हाँ, एक बात और इसमें कि सेल का यूज़ किया या बैटरी का यूज़ किया, तो हमको पता है कि सेल के अंदर में केमिकल सब्सटेंस स्टोर रहता है, जो हमने पढ़ा था पहले भी क्लास 8 में सेल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सेल के अंदर में जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनमें केमिकल एनर्जी होती है, और वो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली फोर्स्ड करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूनि डायरेक्शनल होके और फ्लो करते हैं निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ में। तो आपका सेल का यूज जो है वो यही है कि वो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करके और उसके हेल्प से और इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स्ड करता है कि वो मूव करे, मतलब वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करे, ठीक है। और भी कुछ बातें हैं जिसमें आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का रेट जो है वो बहुत कम है, बहुत स्लो है, ठीक है, कुछ मिलीमीटर पर सेकंड है एवरेज उनका वेलोसिटी स्पीड देखा जाता है। तो वो देखते हैं क्या कि कुछ मिलीमीटर पर सेकंड ही है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का स्पीड, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वैसे ही पल्स जो है वो ग्लो कर गई। तो अगर वो कुछ मिलीमीटर पर सेकंड के रेट से ही चलते तो क्या इतनी तेज़ी से स्विच ऑन करते ही बल्ब जो है वो ग्लो कर जाता? नहीं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फिजिकल मूवमेंट होता है उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब एक एवरेज स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की, एवरेज स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की, और वो है कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये फिजिकल मूवमेंट की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स जब फिजिकली मूव करेंगे तो उस कंडीशन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि वो फिजिकली मूव नहीं कर रहे हैं बल्कि वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कर रहे हैं, और वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की रेट लगभग उतनी है जितनी कि लाइट की स्पीड होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस वजह से ऐसा होता है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही लाइट जो है वो जल जाती है, या मतलब बहुत फास्ट स्पीड होती है, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स के अपने खुद के फिजिकल मूवमेंट की स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो होती है, कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड ही होती है, जो कि उसकी ड्रिफ्ट स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड कही जाती है, ठीक है। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन्स का बात, हमने ये देख लिया कि सेल का बैटरी का यूज़ क्या है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स सर्किट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कहता है कि कोई भी क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। ये मैंने सेल लगा दिया, ठीक है,
एक स्विच लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और एक बल्ब लगा दिया। तो अभी क्या बल्ब ग्लो कर जाएगा? बल्ब अभी ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी स्विच जो है वो ऑफ है। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे वैसे ये बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। तो क्यों? अब देखो, जैसे ये सेल था, ये स्विच है, ये बल्ब है, ये रेजिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और करेंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। डायरेक्शन ऑफ करेंट ऑलवेज, और डायरेक्शन ऑफ करेंट ये है, आई से निगेट करेंगे करंट को, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन, जबकि करंट जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव। तो कहता है कि क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन इजिली ट्रेवल कैन पास इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज एंड कंटिन्यूअस, जिससे कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो सके, ऐसा पाथ को ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। देखते हैं वेरियस इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, उनके सिंबल्स कैसे हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब हम डिजाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और उन कंपोनेंट्स में हम किन किन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को किस किस सिंबल से इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिनका यूज हमको आगे सर्किट्स बनाने में होगा, और उनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। जैसे पहला है कनेक्टिंग वायर, ठीक है, कनेक्टिंग वायर है, तो ये कनेक्टिंग वायर का सिंबल आप देखो, कनेक्टिंग वायर का सिंबल है एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद है क्रॉसिंग ऑफ वायर, क्रॉसिंग ऑफ वायर है ये लूप बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे वायर क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, लेकिन ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं है, ठीक है, तो ये क्रॉसिंग ऑफ वायर हो गया। थर्ड है ज्वाइंटिंग ऑफ वायर्स, यहाँ देखो ज्वाइंट दो तरीके का है, एक यहाँ पे ये ज्वाइंट है, ये हर डायरेक्शन से वायर आगे यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, या फिर ये इस टाइप का सिंबल भी जो है वो ज्वाइंटिंग ऑफ वायर्स हो कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ओपन प्लग की, क्लोज्ड प्लग की, तो ओपन प्लग की जो है वो ब्रैकेट है, क्लोज्ड प्लग की भी ब्रैकेट है, ये क्लोज वाले बीच में डॉट दिया हुआ है और इसमें डॉट नहीं दिया हुआ है। तो जिसमें डॉट दिया हुआ है वो इंडिकेट करता है कि जब स्विच ऑन है तब का, और जिसमें डॉट नहीं है वो स्विच ऑफ है तब का, मतलब कि अगर करंट पास नहीं हो रहा है तो ओपन प्लग की, अगर करंट को पास होते हुए दिखाना है तो वहाँ पे क्लोज्ड प्लग की। फिर है ओपन स्विच, स्विच को अलग तरीके से दिखाया गया है, ये ऐसे यहाँ पे ये ओपन है, ये कॉन्टेक्ट में नहीं है, ये ओपन स्विच है और ये क्लोज्ड स्विच है। तो ओपन स्विच मतलब क्या, ओपन स्विच मतलब कि स्विच ओपन है, करंट पास नहीं हो रहा है, और जब क्लोज्ड स्विच होगा, स्विच क्लोज्ड हो गया तो उसमें से करंट पास हो रहा है, ये क्योंकि कनेक्टेड हो गया, ठीक है। उसके बाद रीवायरेबल फ्यूज, मतलब वैसा फ्यूज जिसका कि वायर हम चेंज कर सकते हैं, उसको इस तरीके से शो किया जाता है। बल्ब या लैंप का सिंबल ये है। सेल, सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, तो जो लॉन्गर थिनर लाइन होता है दैट रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल, वाइल द शॉर्टर थिकर लाइन, छोटा और थिक लाइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है निगेटिव टर्मिनल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन इज सेल इज नोन एज द बैटरी। तो यहाँ पे देखो एक दो तीन, तीन सेल्स लगे हुए, यहाँ प्लस लगा देंगे या माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मीन्स की बैटरी। फिर है रजिस्टर, फिक्स्ड रजिस्टर का ये सिंबल है, या फिर ऐसे बॉक्स रजिस्टर का है। वेरिएबल रजिस्टर मीन्स की वैसा रजिस्टर जिसके वैल्यू को चेंज किया जा सके। रजिस्टर क्या है ये हम लोग ओम्स ला के बात समझेंगे। रजिस्टर वैसे ये होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस्ड करता है, वो करंट के पाथ को रोकता है, उसको रजिस्टर करते हैं। तो फिक्स रजिस्टर को इस तरीके से या बॉक्स के जैसे ऐसे दिखा सकते हैं, वेरिएबल रजिस्टर को ऐसे दिखा सकते हैं। रजिस्टर को ही रिप्रेजेंट किया जाता है एक और रिहोस्टेट के फॉर्म में, जिसमें कि ये जो एरो का साइन है ये जॉकी का रहता है, ये वेरिएबल होता है, इसको इसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, तो उसका ये सिंबल है। प्रैक्टिकल कॉपी में आपको ये काम आएगा बनाने में, ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में, और साथ साथ में आप लैब में देखेंगे इसको। एमीटर जो करंट मेजर करने के लिए है उसका सिंबल ये है ए, इधर प्लस माइनस। वोल्टमीटर जो वोल्टेज मेजर करने के लिए उसका सिंबल ये है वी, प्लस माइनस। फिर गैल्वेनोमीटर है जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए ये जी, प्लस माइनस।
फिर इलेक्ट्रिक बेल का ये सिंबल और इलेक्ट्रिक फैन का ये सिंबल। आई होप कि आपने सारे ही सिंबल्स को ध्यान से देखा होगा, और आपका काम ये भी है कि इन सारे सिंबल्स को आप वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन करते जाएंगे, ताकि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने के समय में या फिर आप कहीं पे भी कोई आपसे पूछे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना हो कि किस सिंबल को क्या कहा जाता है और उसका यूज़ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो है वो आज आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और विद सिंबल्स हो गए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की, और ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं और धीरे धीरे करके हम लोग उसको खत्म करते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।